वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। आज बहुत टाइम के बाद एज़ यूजल मुझे टाइम मिला, तो मैंने एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया और उनके वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, रिकॉर्ड की हैं वीडियोस, ताकि टाइम टू टाइम मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो रिव्यू वीडियोस जो है शेयर करती रहूं। तो आज अभी जो इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूं वो है ये मेडोरा का एग शैम्पू विथ कंडीशनर, और ये अच्छा है। मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने ये बायो आमला शैम्पू का रिव्यू दिया है। अगर तो आपने इसका रिव्यू देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अदरवाइज ये है कि आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ की प्लेलिस्ट चेक कर लें और उसमें आपको ये मिल जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंट शैम्पूज़ के भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे जो अब तक मैंने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इस शैम्पू की। तो सबसे पहले आप देख लें कि ये शैम्पू जो है क्या ये एग शैम्पू है, और एग इज़ अ प्रोटीन, और प्रोटीन शैम्पू हमारे ड्राई, लाइफलेस और डल डैमेज हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो रादर देन प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, आप ऐसे शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रोटीन इन्ग्रीडियंट्स या प्रोटीन हो। तो ये क्लेम करता है एग शैम्पू, तो इसके अंदर एग है ऑब्वियसली एज अ मेन इन्ग्रीडियंट। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि मेडोरा शैम्पू है, 500 इंच की क्वान्टिटी है, बैक पे इसकी डिटेल्स लिखी हैं, 500 ml क्वांटिटी है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। एक्सपायरी इसकी 2022 है और इसकी जो प्राइस है आफ्टर टैक्स वो है 280 रुपीज़। तो बहुत अच्छा है। मज़े की बात ये 280 रुपीज़ में 500 ml जो कि पूरा फैमिली बॉटल है, साथ साथ जो है आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए अच्छा है, डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है, लाइफलेस हेयर के लिए भी अच्छा है। और मज़े की बात है इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। और एग शैम्पू है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, और उन्होंने यहाँ तक कर दिया है और उनके बाल काफ़ी और ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो गए। वैसे तो उनके बाल हैं ही अच्छे माशाल्लाह, मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन ये यूज़ करने के बाद उनके बाल ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो गए। और मैंने इसकी जगह जो हर्बल शैम्पू यूज़ किया है वो बायो आमला का है, ये मुझे ज़्यादा सूट हुआ है। तो अब आपकी चॉइस है, अगर आप अफोर्डेबल और हर्बल और लेस केमिकल शैम्पूज़ ढूंढ रहे हैं जिससे आपके डैमेज हेयर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका भी सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पर है, अदरवाइज़ आप ये यूज़ कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फ़ायदा ही देंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से बात की जाए तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन रिव्यू इसका है तो मैं आपको बताऊंगी इसकी। मैंने जो भी बात बता दी है कि मुझे जितना ये कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया, अच्छा है लेकिन बहुत बुरा नहीं है। और शैम्पू यूज़ करने का प्रॉपर तरीका ये है कि आपने पानी में मिलाना है उसको और फिर बालों में और अपने स्कैल्प पे लगा के उसकी मसाज करनी है फॉर 2 मिनट्स, और फिर आपने 2 मिनट के लिए उनको बालों में छोड़ देना है, लगे रहने देना है, फिर आपने उसे वॉश कर लेना है। और पानी का ख्याल रखें कि मीठा पानी हो, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, लाइफ फुल ऑफ लाइफ हो जाएंगे, लाइफलेस अगर आपके हेयर हैं तो। आप ये देख सकते हैं, आई होप कि आपको ये रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, और बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ये शैम्पू यूज़ करता है या बायो आमला यूज़ करते हैं। इसमें स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ तो है नहीं, मेरे पर्सनल यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं या कौन सा आपके बालों को सूट करता है, इनमें से कौन सा यूज़ किया हुआ है, या ये कैसा लगता है आपको कि आपने ये यूज़ किया है, इसके बेनिफिट्स आपको बेनिफिट्स मिले या आपको इससे फ़ायदा नहीं हुआ, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आई विल हाईली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ योर सराउंडिंग, एज आई ऑलवेज से दिस हैज़ बिकम माई स्लोगन। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।